हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नाटुकला चैनल पर। दोस्तों, लगभग 2 साल बाद हम सिनेमा हॉल में आए हैं और उसका कारण था कि कोविड-19 के चलते सारे लोग घर में बैठे थे और उसी के चलते सारे सिनेमा हॉल ये बंद थे। तो आज लगभग 2 साल बाद सिनेमा हॉल ये शुरू हुए हैं और उसी के साथ आज दिवाली के मौके पर हमारे बॉलीवुड ने हमें एक तोहफा दिया है और वो तोहफा है रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी सूर्यवंशी ये फिल्म। और इस फिल्म में काम किया है, अभिनय किया है हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने और हमारे सिंघम अजय देवगन, और साथ ही आपको मिलेंगे सिम्बा के रणवीर सिंह और उसके साथ ही रहेंगे हमारे प्यारे से जैकी दादा यानी जैकी श्रॉफ। तो चलिए जानते हैं जनता से कि ये मूवी आपके कोविड के बाद कैसी लगी, सूर्यवंशी जो एक तोहफा है हमारे दर्शकों के लिए। अक्षय कुमार कैसे लगे, यानी आप 1.5-2 साल बाद आ रहे हो? 2 साल बाद। हाँ, 2 साल बाद। तो कैसा लग रहा है? एक नंबर। 2 साल वेट किया ये मूवी का। अच्छा, लास्ट टाइम सिम्बा के टाइम पे ट्रेलर दिखाया था इसका और आज मूवी देखा। हाँ, वर्थ वेटिंग। कितना रेटिंग दोगे आप? 10/10। कैसे लगे आपको? एकदम सही और सबसे सुंदर पिक्चर है। अक्षय कुमार की एंट्री एकदम बढ़िया। अजय देवगन और सिम्बा भाई तो देखने की बात ही नहीं है। 10/10। अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छी लगी। फैमिली के साथ आए थे हम और अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया, वैसे भी करते ही है और सबने अच्छा काम किया, बहुत अच्छी मूवी। दिवाली के बाद अच्छा सिनेमा हॉल में आना, 70mm पे स्क्रीन पे फिल्म देखना कैसे लगा? नहीं, बहुत ही अमेजिंग है। स्क्रीन होती है, घर पे मोबाइल पे नेटफ्लिक्स वगैरह देखते थे पर ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर लगा। 5 में से 5/5। नाइस मूवी, अक्षय कुमार इज़ बेस्ट और बहुत अच्छा मूवी था। दिवाली सबकी अच्छी गई और सभी ने मूवी को एंजॉय किया। नाइस मूवी, हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी। अक्षय कुमार इज़ बेस्ट। क्या अच्छा लगा आपको मूवी? फिल्म बहुत अच्छी, A to Z। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में तो बहुत ही बढ़िया है, पुलिस वालों को खुश होना चाहिए कि इतनी अच्छी मूवी बनी। बहुत बढ़िया, रोहित शेट्टी ग्रेट, बहुत अच्छा। कितना स्टार दोगे आप? 5 में से 5। थैंक यू, फुल 10 रेटेड, 5 स्टार। बहुत अच्छी मूवी थी, इतने दिनों के बाद देखा तो बहुत ही मजा आया। इतना यानी ये नहीं था, कंटिन्यूसली देखो ऐसी मूवी थी, मस्त। अक्षय कुमार और कैटरीन का इज बेस्ट, मूवी बहुत अच्छी है, मूवी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी। क्या अच्छा क्या लगा, 2 साल बाद आप देख रहे हो मूवी में? एक सीन था वो हिंदू और मुस्लिम का, जो गणेश जी को दोनों मिलके लेके जाते हैं, वो सीन अच्छा था, वही मूवी का अच्छा पार्ट था, अच्छा था ओवरऑल मूवी। अच्छा कहना चाहोगे सूर्यवंशी के? फर्स्ट हाफ बोरिंग है, फर्स्ट हाफ पूरा बोरिंग था, उसका मजा आया एंडिंग क्लाइमेक्स अच्छा था क्लाइमेक्स के बाद। और फिल्म में जो गाने हैं पुराने गाने नए बना के, वो रीमेक था, एक रीमेक एक ही था, बाकी मजा नहीं है इतना। वो अक्षय कुमार का ही गाना था शायद, टिप टिप बरसा गानी पानी, बाकी सेकंड वाला इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इंटरेस्टिंग फिल्म एंडिंग में अच्छी थी। कितना रेटिंग दोगे आप? 3 स्टार। 3 स्टार, 5 में से। क्या अच्छा लगा आपको? नहीं, बहुत काफ़ी दिन बाद कुछ चेंज हुआ और उसके बाद में तीनों हीरो का मूवी देखने को मिला, गुड मूवी। और आप अपने बेटे को दिवाली के मौके पे आप लेके आए? हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी लगी मूवी। अक्षय कुमार कैसे लगे? नहीं, अक्षय कुमार बहुत अच्छी है, एंट्रीज भी हीरो की अच्छी है, हम दोनों के फेवरेट है वो। अच्छा, रेटिंग कितना दोगे वैसे? 5 में से 5। थैंक यू। 1.5-2 साल बाद आप आए हो सिनेमा घर में, काफी अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? और अच्छा दिवाली रहा के मौके पर सूर्यवंशी ये फिल्म बॉलीवुड ने तोहफे के तौर पे आपके सामने पेश की है, तो कैसी है मूवी? काफी अच्छी मूवी है और काफी अच्छा मूवी का वो प्रीव्यू हमने जो देखा अभी काफी अच्छा था। अच्छा, तो मूवी ऑसम मूवी है। क्या कहोगे अक्षय कुमार के बारे में? काफी अच्छी एक्टिंग है बस, ये तो मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है, तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को। अच्छा, क्या स्टार, कितना स्टार दोगे आप? 5 स्टार। बढ़िया, एकदम अक्षय कुमार का टिपिकल क्लासिक एक्शन देखने मिला और आखिरी में तीनों हीरोज आ गए, इट टू कट द लेवल, बढ़िया टॉप पे आ गए पिक्चर।
किसका काम आपको अच्छा लगा है? जैसे हमारे जैकी दा भी है, जैकी श्रॉफ भी है। हाँ नहीं, उनका रोल तो कम ही था, नेक्स्ट अगली बार उनका ज़्यादा देखने मिलेगा। सिंघम 3 शायद तक ऐसा लग रहा है अभी जो समझ आया। बाकी हाँ, सिंघम मतलब अजय देवगन का रोल आखिरी में एकदम धमाल था, वो मजा आ गई फाइट में। से कितना रेटिंग दूंगे आप 5 में से? 5 में से आई विल गिव इट 4.5। थैंक यू। एकदम बकवास। हाँ बकवास। हाँ एक्चुअली बहुत प्यारी मूवी है, बहुत अच्छा फिल्म थी। और जब जब सिम्बा आया ना, बहुत माहौल लगा और सबसे हमारा बेस्ट शो तब था जब वो सीन, उसमें एक्शन सीन बहुत अच्छा, गणपति बप्पा का सबसे बेस्ट सीन था, एक्शन सीन बहुत अच्छा, पप्पा वाला सीन बहुत बढ़िया। अच्छी है ना, दिवाली के दिन आए, बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आए, 2 साल के बाद बहुत अच्छी मूवी बने है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, ब्लॉकबस्टर मूवी है, ब्लॉकबस्टर। थैंक यू सर, सब कुछ अच्छा लगा मूवी में, सब चीज़ अच्छी लगी मूवी का, एक सोच अच्छी है एक हिसाब से, तो देख के आए और मूवी सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर मूवी है, मस्ट वॉच। हम अभी मूवी देखे आए, एक्शन, रोमांटिक और इमोशनल मोमेंट तो बहुत ही बेस्ट है, वेरी गुड फिल्म, 4 स्टार लगी, 5 स्टार। क्या तेरा क्या कॉम्प्लीट, मूवी बहुत बढ़िया थी भैया, और जो तीनों कॉम्पिटिशन कर, जब जहाँ से सिम्बा की एंट्री सर वहाँ से तो एक नंबर मूवी लगी है, ये मूवी का एकदम पैसा वसूल मूवी है सर ये। जो फर्स्ट मूवी देखी उसमें मजा आ गया, सुपर एकदम औसम मूवी पिक्चर है। जैसे अपने वीर सूर्यवंशी का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, और सिंघम और कैटरीना कैप का भी कैरेक्टर अच्छा है, और इंटरेस्टिंग पिक्चर है, मतलब देख सकते हो। और गाने भी अच्छे हैं, एक मुझे जो पसंद आया अपना कैटरीना कैप का जो सॉन्ग था जो पुराना वाला, वो रीमेक किया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया, बाकी पिक्चर अच्छी। आपने देखी सूर्यवंशी, कैसी लग रही है आप? मुझे बहुत अच्छी लगी पिक्चर, जैसे हमने सभी को मालूम है कि 1.5 सालों के बाद अभी थिएटर खुला है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था अक्षय कुमार को देखने के लिए। और हमें ये भी पता है कि रोहित शेट्टी की मूवी है, और रोहित शेट्टी की मूवी एकदम उनकी जो डायरेक्शन जो रहता है, हवे में कार उड़ती है बढ़िया एकदम। और अक्षय कुमार का काम मुझे अच्छा लगा है, रणवीर सिंह की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, अजय देवगन की जो एंट्री है, जो जिस तरीके से वो कार से उतर के गॉगल लगा रहे हैं, जो भी उनका जो ओवरऑल जो पूरा मूवी का जो पैकेज है, सिटी मार बिल्कुल पैसा वसूल पिक्चर है, बिल्कुल आइए और सिनेमाघरों को अच्छा प्रोत्साहित करिए, और हमें फिर से हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को खड़े करना है, और बिल्कुल हमें सपोर्ट करना है, और मूवी देखने आई है, ओवरऑल बिल्कुल फैंटास्टिक मूवी है, ब्लॉकबस्टर। क्या रेटिंग दोगे आप 5 में से? 5 में से मैं रेटिंग दूंगा 4, मुझे बहुत अच्छी लगी है मूवी, और मैं सभी से चाहता हूँ कि मूवी लोग देखने के लिए आए और बॉलीवुड को सपोर्ट करिए, हम उनकी ज़रूरत है। और इंडिया में सिनेमा को सभी जानते हैं कि इंडिया में सिनेमा बोलने से मतलब ऐसा है कि उसके बिगैर इंडिया अधूरा है, ये मेरा मानना है। और मैं बिल्कुल इतने 1.5 सालों से ही मूवी के लिए रुका था, मुझे अभी भी याद है 24 मार्च 2020, तब से ये मूवी रुकी हुई थी, मैं तब से रुका हुआ था। देखा जाए तो सूर्यवंशी के बाद मैं जैसे मैं इमरान हाशमी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उसकी मूवी के लिए भी मैं बहुत दिल से रुका था, उसकी मूवी थी चेहरे मूवी आने वाली थी, तो मैं उसके लिए भी रुका हुआ था, काफ़ी सारी मूवी थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, फिर से बोलूँगा सूर्यवंशी इज़ द बेस्ट, अक्षय कुमार का काम मुझे बहुत अच्छा लगा, रणवीर सिंह, अजय देवगन बिल्कुल टोटल सिटी मारे, पैसा वसूले बिल्कुल आइए, ये मत सोचिए कि कोरोना है और हमारे जेब में पैसे नहीं है, ऐसा सोचोगे तो हमें कैसा है, बॉलीवुड को हमें प्रोत्साहित करना है, फिर से उनके पैरों पे उन्हें खड़ा करना है, बिल्कुल आइए इंडिया, सपोर्ट बॉलीवुड, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे लगे आपको? एकदम जबरदस्त, पूरे हीरो एक साथ देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सलमान खान की जल गई कैटरीना कैफ अक्षय कुमार से शादी कर मूवी फ्रॉम अवर नेशनलिटीज एंड कल्चर ऑफ द मुस्लिम एंड हिंदू वी आर फाइटिंग ओवर दैट बट नॉट पीपल आर बैड अपने यहाँ पे लोग बुरे नहीं है, लोग बुरे होते तो
अपन क्या समझते कि ये बुरा है वो बुरा है, अपन यहाँ पे नेशनलिज्म नहीं समझ ले, मुस्लिम बंधु कुछ नहीं करना। इस पिक्चर में जो बताया गया है वो सबसे सही है, वो है नेशनलिज्म। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में कुछ भेद नहीं बताया गया, लेकिन जो पिक्चर जो है बहुत इंस्पायर्ड है बट टेररिज्म में, टेररिस्ट अलग है मुस्लिम अलग है। ये आतंक फैलाने का सिर्फ एक जरिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आवाम बुरी नहीं है, पाकिस्तान की कुछ सरकार या कुछ फौज बुरी है, बाकी कुछ नहीं। कितना रेटिंग हो गया? मैं तो इनको 5 out of 5 बहुत जबरदस्त पिक्चर, बहुत बढ़िया। अक्षय कुमार इज द बेस्ट। 1.5 सालों बाद आप मूवी देखने आए हैं, मूवी स्क्रीन पर, हाँ। स्क्रीन पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, और पब्लिक भी अच्छी आ रही है, और पिक्चर भी काफ़ी अच्छी है, और तीनों का रोल अल्टीमेटली मूवी इज ऑल द बेस्ट, बेस्ट मूवी, अच्छी लग, बहुत अच्छी, पूरा टाइम पास पैसा वसूल। तो दोस्तों, दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म सूर्यवंशी काफ़ी दर्शकों को पसंद आ रही है, और ये दिवाली का तोहफा काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को। पर इसके साथ ही आप अपनी सेफ्टी नहीं भूलना चाहिए, चेहरे पे मास्क और साथ में सैनिटाइज़र, ये ज़रूरी है। सूर्यवंशी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा। मैं गुटी सिनेप्लेक्स मैनेजर हरीश हिरणवार, आज हमारे यहाँ पे सुबह 9:30 बजे 12:30 और 6:30 और 9:30 का 5 खेल में सूर्यवंशी मूवी लगा है, और कोरोना काल के बाद में आप 50% कैपेसिटी के हिसाब से आज शो के अंदर में हमारे थिएटर कैपेसिटी 1029 है, जिसकी कैपेसिटी 514 होती है, और उसका पालन किया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है। काफ़ी समय से प्रेक्षकों को बड़ी स्क्रीन में पिक्चर देखने का मौका, हिंदी मूवी अब आया है, उसका लाभ उठा रहे लोग, लेकिन हाँ धीरे धीरे लोग ने उठाना चाहिए, और इसके बाद में नियम पालन करना चाहिए। उसके बाद में जैसे थिएटर में आते हैं तो आपने सैनिटाइज करो हाथ का, और मुंह पे मास्क लगाइए, जिससे कि अपनी सेफ्टी है, अपने देश की सेफ्टी है, सुरक्षा का ध्यान रखिए। धन्यवाद।